चाहते हो कि मैं A1 का क्या करूँ, स्ट्रक्चर बनाऊँ, A1 का स्ट्रक्चर बनाऊँ। तो बेसिकली जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो होता यूँ है कि एक मरतबा इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको फिर मिटा सकूँ। ले ले, अच्छा अभी देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं मिटाऊँगा इसको। A1 का मैं स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहता हूँ, A1 का। A1 के स्ट्रक्चर के लिए समझाऊँगा ड्रा तो किया है। A1 के स्ट्रक्चर के लिए आपके साथ दो चीज़ें होने लाजमी हैं। एक तुम्हारे साथ बीटा आइनोन रिंग होना चाहिए, बीटा आइनोन आइनोन रिंग होना चाहिए। उसी बीटा आइनोन रिंग के साथ आपके साथ या तो रेटिनॉल लगाओ, या तो रेटिनॉल लगाओ, या रिटेनल लगाओ, या रिटेनोइक एसिड लगाओ, एसिड ओइक एसिड लगा लो। तब तुम्हारे साथ अगर OH वाला लगाया तो ये बनेगा रेटिनॉल वाला विटामिन A1। एल्डिहाइड वाला लगा दिया पर फिर बनेगा A1 एल्डिहाइड वाला बनेगा, A1 एल्डिहाइड वाला यानी कि रेटिनॉल वाला। ओइक एसिड लगाओगे तो विटामिन ए बनेगा वो ओइक एसिड वाला यानी कि रेटिनॉइक एसिड वाला होगा। बीटा आइनोन रिंग इस तरह होता है, ये होता है बीटा आइनोन रिंग। यहाँ पर C3, यहाँ पर C3, यहाँ पर C3। अब इसके साथ अगर बीटा आइनोन रिंग में तुम्हारा जो A1 के स्ट्रक्चर में जो है ना, अगर ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, अगर डबल बॉन्ड 1 एंड 5 एंड 6 के दरमियान आ गया तब तो ये A1 बन। अगर बिना बीटा आइनोन रिंग में डबल बॉन्ड 5 और 6 नंबर कार्बन पर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये A1 वाला विटामिन है। और इसके ऊपर अगर 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अगर अभी इसको कहते हैं ना, ये वाला हिस्सा है बीटा आइनोन रिंग, ये वाला जो हिस्सा मैंने लगा दिया ये रेटिनॉल वाला हिस्सा है। अगर यहाँ पर CH2OH आ गया तो ये रेटिनॉल हो गया है। अगर यहाँ पर CH2COH आ गया तो फिर ये हो गया तुम्हारे साथ अपना रेटिनल हो गया। अगर यहाँ पर C OH आ गया तो फिर ये तुम्हारे साथ रेटिनोइक एसिड हुआ। जो भी हुआ, रेटिनल हुआ, रेटिनोइक एसिड हुआ, रेटिनॉल हुआ, अगर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर था तब तुम्हारे साथ ये A1 का क्या है, विटामिन है। इस तरह बीटा आइनोन रिंग में C5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अच्छा ये बीटा आइनोन रिंग है ये ठीक है, CH3 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 एंड दिस इज द रिंग लाइक दैट एंड यहाँ पर रेटिनॉल आ गया है। अभी मैंने OH लगा लिया है तो ये रेटिनॉल हो गया है, रेटिनॉल हो गया। तो ये स्ट्रक्चर तब जा कर के आपके साथ A1 का होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ना वो कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 5 के दरमियान आया है। अगर आप चाहते हो कि मैं A2 का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, A2 का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, तब तो आपको फिर बीटा आइनोन रिंग और एक रेटिनॉल, रेटिनोइक एंड रेटिनॉल में से एक लेना होगा। अच्छा आपने लिया है मिसाल रेटिनॉल लिया है तो ये तुम्हारा बीटा आइनोन रिंग है, सही। अब बीटा आइनोन रिंग में अभी आपने जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है वो आना चाहिए। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तब ये पता चलता है हमें कि ये A2 विटामिन की बात कर रहा है, विटामिन A2 की बात कर रहा है। यहाँ पर रेटिनॉल, रेटिनॉल रेटिनॉइक एसिड में से कोई भी लगा सकते हैं, सिर्फ इसके इस फंक्शनल ग्रुप में क्या आ रहा है, पर कर रहा है। और ये याद रखना कि यहाँ पर आपने हमेशा डबल बॉन्ड देने, एक डबल बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसको छोड़ करके इस पर एक C3 आ गई, ये रेटिनॉल है, इसको छोड़ करके इस पर C3, तो इट इज कॉल्ड एज रेटिनॉल पार्ट। अभी इसके साथ डबल बॉन्ड OH है तो ये रेटिनॉइक पार्ट है, ठीक है, वो बीटा आइनोन वाला पार्ट है। तो ये हुआ मेन डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2 इज डबल बॉन्ड इन A1 इज A1 के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर होती है, बीटा आइनोन रिंग में C5 और C6 के दरमियान होती है। A2 में डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर होती है, C3 एंड C4 के दरमियान होती है। बस यही तो मेन फर्क है A1 एंड A2 के दरमियान, ठीक है।